वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं ब्रिजेश एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं तहे दिल से मेरे छोटे से चैनल ब्रिज व्यू में। और दोस्तों, ये जो टॉपिक है VPN, जैसा कि आपने अभी डिस्क्रिप्शन में पढ़ा और टाइटल में पढ़ा, इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब यू वुड बी वंडरिंग कि मैं इस तरह की वीडियोज़ नहीं बनाता हूं। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते होंगे कि इस तरह की वीडियोज़ में ज़्यादातर टेक वीडियोज़ अपलोड नहीं करता, लेकिन ये जो VPN है, आई फाइनली फाइंड इट वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल, बिकॉज ये जो कोरोना वायरस का एपिडेमिक फैला हुआ है और ये इस सिनारियों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और मेरे साथ भी अभी कुछ दिन पहले एक ऐसी चीज़ हुई, मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, जहाँ पे मुझे ये जो VPN है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसकी ज़रूरत समझ में आई। और आगे आप देखेंगे दोस्तों, जब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ये लगेगा कि ये हर एक इंसान जो भी नेट का यूज़ करता है, मतलब इंटरनेट का यूज़ करता है, चाहे वो मोबाइल से करे, चाहे वो लैपटॉप यूज़ कर रहा हो, इवन आप अगर स्मार्ट टीवी यूज़ कर रहे हैं अपने घर में, तब भी आपको VPN की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हर इंसान को, हर यूज़र को यूज़ करना चाहिए VPN। ये क्या होता है, क्यों आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, और किस तरह का VPN आपको यूज़ करना चाहिए, और क्या क्या फ़ायदे हैं दोस्तों, और कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि अभी चूंकि लॉकडाउन है और अभी चल ही रहा है, तो इस लॉकडाउन के दौरान हम आप सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं दोस्तों। और मैं भी अभी अपने ऑफिस का काम अपने PC पे ही निपटाता हूं, और यही मेरा PC है, वैसे भी मेरा पर्सनल का PC है, लेकिन अभी इसी लॉकडाउन के दौरान जब मैं अपने नेट सर्फिंग कर रहा था अपने PC से, तो मेरे PC पे एक हैकर ने अटेम्प्ट किया, मतलब हैकिंग अटेम्प्ट हुआ। और उसके दौरान चूँकि मैंने अपने लैपटॉप में एक एंटीवायरस डाल रखा है जो कि पेड वर्जन है और अच्छा एंटीवायरस है, चलो मैं नाम नहीं बताता, लेकिन अच्छा एंटीवायरस है, और उसके बावजूद भी मेरे सारा डेटा लॉक हो गया। और बड़ी मुश्किल से मेरे कुछ IT फ्रेंड्स की हेल्प से वो डेटा मुझे फिर से रिकवरी में कर पाया, लेकिन वो डेटा पूरा करप्ट हो गया था। और उसमें .MADO करके एक कोई ऐसा मालवेयर या जो भी है उसने, हैकर ने डाल दिया था। तो आप इसको वायरस अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली हैकर ने किया था, क्योंकि मेरे पास उसके बाद फिर मेरी मेल पे जो है वो मैसेज आया कि मुझे आप इतने पैसे दे दो तो मैं आपका डेटा फिर से ठीक कर दूंगा। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं उससे रिकवर कर गया, लेकिन उस समय मुझे और अपने जो सॉफ्टवेयर वाले जो दोस्त थे, जो कलीग थे, उनसे पता चला इस VPN के बारे में। और ये VPN की इम्पोर्टेंस मुझे तब पता चली जब मेरे ऊपर ये अटैम्प्ट हुआ, मेरे डेटा पे ये अटैम्प्ट हुआ। तो ये आपके साथ भी हो सकता है दोस्तों। अब पहले के ज़माने में दोस्तों, ये पहले इंडस्ट्रीज यूज़ किया करती थी, ये VPN है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये मतलब ऑफिसेज में आज भी यूज़ हो रहा है, अलग अलग कंपनीज़ के VPN ये लोग यूज़ करते हैं। और ये माना जाता था कि वहीं पे लोग नेट सर्फिंग करते हैं, वहीं पे इंपॉर्टेंट डेटा होता है, और जो ऑनलाइन क्राइम करने वाले लोग थे वहीं पे हैकिंग का अटैम्प्ट करते थे, और वो भी बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर था। लेकिन आज गली गली में, घर घर में एक हैकर बैठा हुआ है, क्योंकि सब ने IT की और बड़ी अच्छी अच्छी पढ़ाई कर रखी हैं, और उसमें से बहुत कम, लेकिन हैं ऐसे कुछ लोग जो कि अनएथिकल काम करते हैं और अपने आसपास वालों के भी सिस्टम हैक करते हैं। कोई फ्री वाईफाई कोई यूज़ कर रहा हो, वहाँ बैठे हुआ कोई बंदा हो, उसका हैक कर लेते हैं, मतलब बहुत से तरीके हैं हैकिंग करने के। तो आज के ज़माने में VPN का रोल उस कंपनी से निकल के आपके घर तक पहुँच गया है। और आप सभी, हम आप जो भी मोबाइल से नेट यूज़ करते हैं या PC से नेट यूज़ करते हैं, उन सभी के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप एक एंटीवायरस डाल के रखते हैं अपने PC के लिए या अपने मोबाइल में, उसी तरह से एक VPN भी बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं दोस्तों फिर से बेसलाइन पे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब देखिए, वर्चुअल मतलब होता है आभासी या डमी, प्राइवेट प्राइवेट ही है, और नेटवर्क, अब नेटवर्क यहाँ पे दो तरीके के नेटवर्क होते हैं, एक होता है घर वाला नेटवर्क, अंदर का नेटवर्क, हमारा अपना नेटवर्क, एक होता है बाहर वाला नेटवर्क, एक्सटर्नल नेटवर्क। तो आपको खतरा अंदर वाले नेटवर्क से नहीं है, आपको खतरा बाहर वाले नेटवर्क से है, समझाता हूँ कैसे। देखिए, अंदर वाला नेटवर्क क्या होता है, मान लिया आपने PC पे स्क्रीन मिररिंग के थ्रू आपने मोबाइल से कोई कंटेंट चला रहा हो, आपने स्मार्ट TV पे कोई कंटेंट चला रहा हो अपने मोबाइल से, आप किसी ट्रांसफरिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, लेट से ShareIt जैसी कोई चीज़ है उसका यूज़ करके कोई कंटेंट इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये आपने अपने घर में एक नेटवर्क बना रखा है, उससे आपको कोई खतरा नहीं है। खतरा है आपको जो बाहर वाले नेटवर्क है, मतलब आपका ISP। अब ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये होते हैं वो लोग जो आपको इंटरनेट की सर्विस मुहैया कराते हैं, प्रदान कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। उसमें आता है Jio, Airtel, मैं इंडिया स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, Airtel, Jio, Vodafone, उसके बाद ट्रिपल प्ले, Excitel, दुनिया भर के नेटवर्क प्रोवाइडर हैं, आपको खतरा इनसे है। अब देखिए, मैं किसी को अक्यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि ये लोग आपका डेटा चुराएंगे, लेकिन दे कैन बी हैक्ड।
और इस बीच में बैठा हुआ कोई और भी सॉफ्टवेयर जिसको पता है या फिर कोई ऐसा टेक्निकल बंदा है जो कि अनएथिकल काम करना चाह रहा है, वो आपके कंप्यूटर तक पहुंच के, आपके आईपी एड्रेस तक पहुंच के आपका सारा डेटा लॉक कर सकता है और हैक कर सकता है। और ये हो रहा है दोस्तों, ये कोई आप ऐसा मत समझिएगा कि नहीं मेरे साथ नहीं हुआ तो फिर आपके साथ भी नहीं होगा, ये आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ हो चुका है और भी दुनिया में लोगों के साथ हो रहा है। और इसीलिए वीपीएन बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट इतने ज़्यादा हाईली डिमांड हो गए हैं। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो जो सर्वर होता है वीपीएन का सर्वर, जिसे आपको जोड़ दिया जाता है वाइल यूजिंग इट, वो आपके डेटा, जो भी आपका डेटा, मतलब आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी यूएस में बैठे हुए किसी ऐसे रखे हुए किसी ऐसे सर्वर से, तो ये सर्वर आपका जो पर्टिकुलर वीपीएन सर्वर है आपके पीसी की तरह काम करता है, आप बड़े सरल भाषा में ऐसे समझिए। और जो रिक्वेस्ट डालनी होती है, आप जो पीसी से अपने यूट्यूब के सर्वर से रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, मतलब कि मुझे एक पर्टिकुलर एक वीडियो देखनी है, तो वो आपके पीसी से ना दिखाकर वो उस सर्वर से दिखाएगा और उस सर्वर की ही लोकेशन उस यूट्यूब वाले सर्वर को कहेगा कि मान लो आप जापान में कोई रखा हुआ है आपका जो वीपीएन का सर्वर है जिससे आप जुड़ चुके हैं, वीपीएन का आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपने अगर कोई साइट को रिक्वेस्ट किया तो जो यूएस में बैठा हुआ, जो यूएस में रखा हुआ सर्वर है उसको ये लगेगा कि जापान से ये रिक्वेस्ट आई है क्योंकि आपका वीपीएन जो है जापान में रखा हुआ है, तो उसकी लोकेशन भी अलग दिखा रही है और जो कमांड दिया जाएगा, जो आईपी एड्रेस है वो भी इनक्रिप्टेड होगा। इनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि कोडेड होता है, अगर कोई उसको बीच में हैक भी कर लेता है, कोई जानकारी लेना भी चाहता है, तो उसका पढ़ना बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है। इवन बहुत से केसेस में वीपीएन कुछ ऐसे होते हैं कि वो उसका रिकॉर्ड ही नहीं रखते, तो अगर वहाँ पर्टिकुलर उस सरकार, मतलब जहाँ पे वीपीएन है वहाँ की गवर्नमेंट भी चाहेगी कि अगर उसमें से डेटा आपका निकाल लिया जाए तो वो डेटा अवेलेबल ही नहीं होता। और बहुत से केसेस में बाय लॉ ये वीपीएन को ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी केस में आपका डेटा किसी को नहीं देंगे, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। बहुत से लोग सेम वाईफाई में ओपन नेटवर्क में सिर्फ इसीलिए बैठे होते हैं कि कोई और आईपी एड्रेस को वो हैक कर सकें और उसकी इन्फॉर्मेशन, स्पेशली बैंक की इन्फॉर्मेशन निकाल सकें और उसका मिसयूज कर सकें। बहुत से ऐसे सीरीज़ हैं, ऐसे बहुत से नेटफ्लिक्स पे या और भी जो है पोर्टल हैं, वहाँ पे आपने बहुत से कंटेंट सर्च किए होंगे, तो वहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे आ जाती है कि दिस कंटेंट इज नॉट अलाउड इन योर कंट्री। बहुत से ऐसे कंटेंट है, जैसे मैं एक उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है, चलो मैं दे ही देता हूँ। निर्भया केस वाला जो एक इंटरव्यू था जो कि बीबीसी ने लिया था आई गेस, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वो इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। उसका इंटरव्यू अगर आप देना चाहते हैं तो आप किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे और वो इंटरव्यू सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन इंडिया में बैठ के आप वो इंटरव्यू सर्च नहीं कर पाते। या आपको दूसरा तरीका, दूसरी चीज़ बता दूँ, जैसे मान लीजिए फेसबुक है, फेसबुक या व्हाट्सएप चाइना में आप जाते हैं या किसी ऐसी कंट्री में जाते हैं वहाँ पर अलाउ नहीं है। तो सीधी सी बात दोस्तों ये है कि जब आप कोई वीपीएन यूज़ करते हैं तो वो जो सर्वर है वो आपके एज ए पीसी की तरह काम करता है और उस सर्वर और आपके पीसी के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो और किसी को पता नहीं चलता, ये सारा कम्युनिकेशन इंक्रिप्टेड होता है और कोई चाहकर भी इन कोड्स को तोड़ नहीं सकता, इनको डीकोड नहीं कर सकता और आपकी सारी जानकारी बिल्कुल हिडन होती है। इसके और भी फायदे दोस्तों बताता हूँ मैं आपको। अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसी वेबसाइट है जो आपके इंडिया में बैन है, आप ओपन कर सकते हैं। आपका लोकेशन वाइज को भी जो भी कंटेंट आपके इंडिया में बैन है वो आप ओपन कर सकते हैं। आप अगर रिसर्च करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आप कोई होटल बुकिंग करते हैं या फ्लाइट बुकिंग करते हैं और आपकी लोकेशन इंडिया है तो उसके रेट अलग हैं, और अगर आप जापान हैं या फिर आपका लोकेशन कहीं, मान लीजिए आपको अमेरिका विजिट करना है और अगर आप इंडिया से बुकिंग कर रहे हैं तो हो सकता है उसके रेट ज़्यादा हो, लेकिन आपका सर्वर जो कि वीपीएन सर्वर जापान में रखा हुआ है या फिर यूके में रखा हुआ है, तो अब उस साइट को ये दिखेगा कि कोई जापानीज या कोई फ्रांस में बैठा हुआ बंदा, मतलब वो आपकी होटल को बुक करना चाह रहा है, तो उसके फ्लाइट के रेट, उसके होटल के रेट बिल्कुल अलग होते हैं और कई केसेस में कम होते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा आपको मिलेगा। ओवरऑल दोस्तों ये समझ में तो आ रहा है कि वीपीएन बड़ी अच्छी चीज़ है, वीपीएन से ये फ़ायदे हैं, लेकिन अब आप पूछोगे मुझसे कि वीपीएन इस्तेमाल कौन सा करें, तो देखिए दो चीज़ें हैं, एक आता है वीपीएन फ्री वाला वर्जन और एक आता है वीपीएन प्रीमियम वाला वर्जन, मतलब पेड वर्जन। अब देखिए मैं आपको एक आपका डाउट क्लियर करता हूँ, क्योंकि बहुत से अभी नीचे कमेंट भी मतलब अभी देखते देखते लोग कमेंट भी कर रहे हैं नीचे, और उसमें ये भी लिख रहे होंगे कि भाई वीपीएन तो फ्री आता है और आप ये वाला वीपीएन बता रहे हैं, वो वीपीएन बता रहे हैं। देखिए पहली बात आपको मैं बताऊँ कि जो वीपीएन फ्री आते हैं उनकी सिक्योरिटी का कुछ भरोसा नहीं होता, और बहुत से केसेस में दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर से सुनिएगा, जो फ्री वाले वीपीएन होते हैं उनमें बहुत से केसेस में हैकर्स ने वो सॉफ्टवेयर वीपीएन के नाम से बनाए होते हैं ताकि वो आपका डेटा हैक कर सकें।
कहाँ तो आप VPN को डाउनलोड कर रहे हैं अपने PC के लिए, मोबाइल के लिए, कि आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकें और भी चीज़ों का यूज़ कर सकें सिक्योरली, और कहाँ तो आपका वही डेटा जिसको बचाना चाह रहे हैं वो हैक हो जा रहा है। तो एक बार को दोस्तों ये दिमाग से निकाल दिए कि फ्री चीज़ें जो है आपके फ़ायदे में आएंगी। बहुत से रेयर चीज़ें हैं जो कि फ्री होती हैं और फ़ायदे की होती हैं। तो यार बड़ी सीधी सी बात है, जो भी आपसे पैसे ले रहा है वो पैसे सर्वर को रखने का अपना एक कॉस्ट है, उसको चलाने का अपना कॉस्ट है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका ऑफिस है, दुनिया भर के टैक्सेस हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, वो पूरा उनकी कॉस्टिंग होती है। तो उसके कुछ पैसे तो आपसे लेंगे, तभी तो आपको जेन्युइन सर्विस दे पाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि फ्री वाले VPN के चक्कर में मत पड़िएगा। तो दोस्तों घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि कौन सा VPN इस्तेमाल करना चाहिए, पेड वाला अगर आप इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए मैं कोई स्पॉन्सर वीडियो ये दोस्तों नहीं बना रहा हूँ, तो मैं आपको कोई स्पेशल नाम का सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन आपको चूज़ करने का तरीका जो स्मार्ट तरीका है वो बताऊंगा। एक तो चलिए आप रिव्यूज़ देख के और भी चीज़ें देख के, अपनी जेब देख के, अपना PC की कंपेटेबिलिटी देख के, कन्फिग्रेशन देख के चूज़ कर सकते हैं VPN। और जो स्मार्ट तरीका आपको बताऊँ चूज़ करने का, वो ये है कि एंटीवायरस वाले भी आजकल VPN साथ में ऑफ़र करते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जो करंट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे नॉर्टन का एंटीवायरस है, आई एम नॉट प्रमोटिंग नॉर्टन, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे इसको ले रहा हूँ। तो अगर आप कोई एंटीवायरस इस तरह का चूज़ करते हैं, अगर उसका बेस मॉडल मतलब बेस वर्जन ना लेके, जैसे नॉर्टन का ये बेस वर्जन आप देख रहे हैं, इसके अलावा आप आगे के जो भी वर्जन देखेंगे जो कि 200 300 400 रुपये ही हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा इतने ही महंगे हों, तो उसमें आपको एक PC, दो PC या तीन सिस्टम्स के लिए VPN फ्री में मिलता है। तो ये एक स्मार्ट तरीका है चूज़ करने का। वैसे आप और भी तरीके इस्तेमाल करके VPN को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज के ज़माने में जहाँ पे हम मतलब ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में है और सब कुछ नेट पे है, और आगे इस COVID-19 के पेंडेमिक के बाद जो भी सिनारियो और जो भी वर्ल्ड होने वाला है वो बहुत ज़्यादा नेट के थ्रू और इंटरनेट के ही थ्रू होने वाला है। तो आज इस समय एक बहुत बड़ा और एक अच्छा डिसीजन होगा आपका अगर आप VPN स्टार्ट कर देते हैं VPN को इस्तेमाल करना। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा किसी और टॉपिक पे कोई और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। दोस्तों तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, दोस्तों खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, पीस।